जिसे किसी और को सक्सेसफुल देखा तो कर लिया, किसी और ने बोला तो कर लिया, अरे यार वो इतना पैसा कमाता है चलो ये करते हैं। तो हमारे पास ना 10 options होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं ये भी करता हूँ ये भी करता हूँ ये भी करता हूं। कोई रॉकेट साइंस की, कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये बहुत सक्सेसफुल जो लोग होते हैं इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्यों बिल गेट्स आज बिलियनेयर है? क्यों मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने सक्सेसफुल बन गए? क्यों सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर, दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर बने? क्यों महेंद्र सिंह धोनी इतने महान क्रिकेटर बने? विराट कोहली जहां पर आज हैं वहां पर कैसे पहुंचे? क्यों लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर बन पाई? क्यों रोनाल्डो, क्यों मेसी इतने बड़े फुटबॉलर बन पाए? इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था उनका फोकस। लाइफ में फोकस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम में से बहुत सारे लोग इसको लूज कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहते लेकिन छोड़ देते हैं। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एक चीज पर टिक के काम नहीं कर पाते। क्या ये हो पाता कि सचिन तेंदुलकर 10 चीजें और भी करते क्रिकेट के साथ, क्या वो क्रिकेट में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते? क्या लता मंगेशकर जी अगर सिंगिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी करती तो क्या वो संगीत में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाती? शायद नहीं। बिल गेट्स अगर शुरुआत से ही 10 चीजों में होते तो क्या वो इतने सक्सेसफुल बन पाते? शायद नहीं। लाइफ में फोकस होना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ हमारे उस फैसले से डिसाइड होता है जो हम किसी भी चीज की शुरुआत में लेते हैं। लाइफ में अक्सर क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को करने की शुरुआत करते हैं वो अपने इंटरनल मोटिवेशन की जगह हम बाहरी मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। जैसे किसी और को सक्सेसफुल देखा तो कर लिया, किसी और ने बोला तो कर लिया, किसी फैंसी चीज को देखा तो कर लिया, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि मुझे लाइफ में अपने आप के साथ क्या करना है, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता हूं, मैं लाइफ में किस चीज में अच्छा हूं। अगर हम आज से ही बाहर देखने की बजाय अपने अंदर देखना शुरू कर दें तो हमारा फोकस उस चीज को करने में कई गुना बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की, कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। वही करना जो आप अल्टीमेटली करना चाहते हो, उसको पहचानना और फिर उसको करना, यही आपको एक लेजर फोकस दे सकता है जिसमें आप आसानी से सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। बट अगर जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, ये फैंसी वर्ल्ड को देखते रहेंगे, सोशल मीडिया को देखते रहेंगे, चमचमाहट देखते रहेंगे लोगों की, यार वो फुटबॉलर है यार इतना पैसा कमाता है उसको देखते हैं, यार वो यूट्यूबर है यार वो इतना पैसा कमाता है चलो ये करते हैं, तो हमारे पास ना 10 options होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं ये भी करता हूं ये भी करता हूं ये भी करता हूं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप वो करो जो आपका दिल कहता है, आप वो करो जो आप अल्टीमेटली जिस चीज को करने के लिए आप बने हो, और आपको पता है आप किस चीज में अच्छे हो, आपको पता है आपको क्या करना पसंद आता है, आपको ये अंदर ही अंदर पता है। अंदर देखना स्टार्ट करो और वहां से आपकी जर्नी एक्चुअल में शुरुआत होगी। वहां से आपको पता चलेगा कि लाइफ में फोकस करना इतना ज्यादा मुश्किल कभी भी नहीं था, ये सिर्फ जरूरत थी ये जानने की कि मुझे एक्चुअली फोकस करना कहां है। तो मेहनत सिर्फ फोकस करने की जगह ढूंढने पर है। जब वो चीज डिसाइड हो जाए, जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगा मैं उस चीज को छोड़ूंगा नहीं, यही स्टेटमेंट आपको बोलते रहनी है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इस चीज को करने का ट्राई करता हूं, मैं इस चीज को करने की कोशिश करता हूं, जब आपके माइंड में जब चलेगा मैं ट्राई करता हूं, मैं ये कोशिश करता हूं, तो आप उस चीज में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। जब आप अपने आप से ये बात बोलना स्टार्ट करते हो कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसमें सक्सेसफुल होके ही रहूंगा, वहां से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। और मुझे पता है आप सबको पता है कि मेरे को कहां फोकस करना है, आप सबको पता है कि आप कहां सफल हो सकते हैं, आप सबको पता है। लेकिन वो एक जो स्टेप है ना, वो जो डर है अंदर, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, इस चीज को फटाफट से अपने दिमाग से निकालें। उस चीज पर फोकस करना स्टार्ट करें जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, उस चीज पर अपना फोकस देना स्टार्ट कर दें और वहीं से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आप में से बहुत सारे लोग अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। इसलिए आज से ही अपने गोल पर फोकस करना शुरू कर दें। सच बताऊं ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही मोटिवेशन और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो भी कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसे फोकस करने में दिक्कत होती है, इमीडिएटली ये वीडियोस इंसान के साथ जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।